हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम कैथ लैब और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी थिएटर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी की एक साथ ज़रूरत होती है। हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम एक बड़ा रूम होता है जहां फुल्ली फंक्शनल कैथ लैब होती है, उसके साथ कार्डियक सर्जरी करने के वो सारे इक्विपमेंट होते हैं, और वहां स्टाफ इतना वेल ट्रेंड होता है कि वो कार्डियक सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों कराने में सक्षम होता है। कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर्स के अंदर अगर कैथ लैब जैसे प्रोसीजर्स एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी चूज करे जाएं तो वहाँ एक डिसएडवांटेज होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन। ऐसे ही पेशेंट्स में अगर कार्डियक सर्जरी चूज करी जाए जो दो डिसएडवांटेज होता है वो होता है टाइम कंज्यूमिंग। जब हम ऐसे पेशेंट्स को हाइब्रिड ओआर में लेके जाते हैं तो एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन इन प्रोसीजर्स को बहुत ही सेफ बनाता है। इसलिए हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और ट्रांसफॉर्मेशनल थॉट प्रोसेस का मेडिकल साइंस में एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीएम गोयल, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर से। हाइब्रिड ओटी में जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं बाईपास और एंजियोप्लास्टी दोनों का एक साथ करना, एक ही सेटिंग में करना। अमूमन ये होता है कई बार पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करने के कुछ दिनों बाद हम बाईपास के लिए बुलाते हैं, बट हाइब्रिड ओटी होने के वजह से हम दोनों प्रोसीजर एक साथ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोसीजर कंप्लीशन एंजियोग्राफी आफ्टर बाईपास। बाईपास हमारा कैसा हुआ है, हमारी नसें प्रॉपर ग्राफ्ट लगी हैं नहीं लगी हैं, अभी तक इसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। हाइब्रिड ओटी उसका पूर्ण समाधान है। टावी आपने सुना होगा, बिना सर्जरी के वाल्व को बदलना, इसके लिए बेस्ट जगह है हाइब्रिड ओटी। पेरिफेरल वास्कुलर प्रोसीजर्स यानी कि पैरों की नसों को खोलना, जिसमें कई बार स्टंट भी डलते हैं और कई बार हम लोगों को सर्जरी करनी पड़ती है, तो हाइब्रिड ओटी इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑर्टिक प्रोसीजर्स यानी महाधमनी के प्रोसीजर्स, ये हाइब्रिड प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें चीरा भी लगाना पड़ता है और जिनमें कई बार परकोटेरियसली यानी कि वायरों से भी हमें काम करना पड़ता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज, बच्चों के जन्मजात हृदय रोग, आजकल विज्ञान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, उसके होने वाले प्रोसीजर्स के लिए बेस्ट प्लेस हाइब्रिड ओटी होता है, क्योंकि उसमें सर्जरी सर्जन प्लस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे कि कई बार पेशेंट इन्फीरियर वॉल एमआई करके आता है, राइट साइड की नस बंद होती है जिसको हमें इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करके खोलना होता है, लेफ्ट साइड की नसों के लिए बाईपास उपयुक्त होती है, तो दोनों प्रोसीजर एक साथ हाइब्रिड ऑपरेटिंग थिएटर में किए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स और प्रोसीजर्स हाइब्रिड ओटी के बारे में मैंने आपको बताए। नमस्कार, धन्यवाद। आज अपन बात करेंगे हाइब्रिड कैथ लैब की, बेनिफिट की और एडवांटेज की। तो अपन स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल स्टे, मतलब मरीज हॉस्पिटल में कितने दिन रुकेगा। तो जब अपन हाइब्रिड प्रोसीजर कोई करते हैं तो नॉर्मली जो डेज होते हैं हॉस्पिटल स्टे के, कहीं और करें प्रोसीजर चाहे ऑपरेशन थिएटर कैथ लैब में, तो उसका रहता है 7.5 दिन का। जबकि अपन हाइब्रिड लैब में करेंगे तो उसका दिन रह जाता है करीब 4.5 दिन। फिर बात करेंगे अपन रिकवरी की। तो कई पेशेंट्स में जब हाइब्रिड के अंदर अपन देखते हैं तो रिकवरी रेट इतनी फास्ट होती है कि प्रोसीजर जो है अपन करने के बाद में मरीज अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में करीबन 3 वीक में वापस अपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अगर अपन यही प्रोसीजर, अगर मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं चाहे कैथ लैब में ओटी में, तो उनमें करीबन टाइम लगता है अपन को 1.5 महीने से 2 महीने लग जाते हैं रिकवरी में, लेकिन हाइब्रिड में यही अपना टाइम 3 हफ्ते तक नीचे आ जाता है। फिर अपन बात करेंगे मॉर्टेलिटी, मतलब मृत्यु की। अगर कोई प्रोसीजर, अगर अपन कोई प्रोसीजर करते हैं जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशंस, उन प्रोसीजर्स में हाइब्रिड जो कैथ लैब होती है उनमें बहुत कम होता है, करीबन 85% तक कम हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श काबरा है और मैं पिछले 7 वर्ष से एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में पेरिफेरल वैस्कुलर एवं एंडोवैस्कुलर सर्जन के रूप में काम कर रहा हूँ। एपेक्स हॉस्पिटल राजस्थान के वासियों के लिए शुरू से ही मरीजों के इलाज करने में सबसे आगे रहा है, और इसी के चलते हुए आज हम राजस्थान में पहली बार एक हाइब्रिड ओटी या हाइब्रिड कैथ लैब का जो है हम इसमें कार्य चालू करने जा रहे हैं। ये हाइब्रिड लैब राजस्थान में पहली बार जो है ये लगी है। इसके पहले ये हाइब्रिड लैब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों के अंदर ही उपलब्ध थी।
हाइब्रिड लैब के फायदे बहुत हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर अपन यूरोप या यूएस के अंदर देखें तो प्रैक्टिकली हर बड़े हॉस्पिटल के अंदर हाइब्रिड लैब जो है एक होती है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जहां पे ओपन सर्जरी और एंडोवैस्कुलर काम दोनों की जरूरत पड़ती है एक ही साथ, ये दोनों के दोनों करे जाते हैं। वैस्कुलर सर्जरी के तौर पे आप देखिए, वैस्कुलर ट्री जो है बहुत बड़ा होता है छाती से लेकर पंजे तक, और इसके अंदर जो है कई जगह पे मानो कभी नस के अंदर सूजन आ जाती है या नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके तहत हमको अगर बाईपास और एंडोवैस्कुलर काम या स्टेंट या ग्राफ्ट डालने के लिए अगर दोनों काम एक साथ करने पड़े तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हाइब्रिड सबसे बखूबी फायदा देती है। हाइब्रिड के साथ प्रोसीजर की कॉस्ट, ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे की कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, ये सारी की सारी बहुत कमती हो जाती हैं। टीम एपेक्स इस मामले में जो है सबसे आगे रहती है। हाइब्रिड की टीम के अंदर जिस प्रकार से कैथ लैब के अंदर एक टेक्नीशियन और स्क्रब नर्स रहता है, उसी प्रकार से ओटी के भी टेक्नीशियन और स्क्रब नर्स रहते हैं। साथ साथ में टीम के अंदर जो है कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन, कार्डियक सर्जन, सबकी अहम भूमि रहती है। और एपेक्स हॉस्पिटल इस मामले में सबसे आगे रहा है कि राजस्थान प्रदेश के वासियों को जो है हम ये तकनीक और इसके फायदे सबसे पहले पहुँचवाएँ। धन्यवाद।